हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज है 1st अप्रैल, मतलब सैटरडे है, और आज हम लोग जा रहे हैं नया बाज़ार सदर शॉपिंग करने के लिए। पापा जी आ गए हैं पीछे, आराध्य के पापा हैं, और घर की चाबी, और मम्मी जी आ रहे हैं। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बस धूप आना शुरू हो गई है ना। आराध्य को आज मैंने गर्म टॉप पहना दिया है क्योंकि आज मौसम ठंडा ठंडा था। दादी भी आ गई है, इधर दादी को बढ़ने के बाद आई माँ जी, मम्मी जी भी आ गए हैं। बहुत दिनों बाद हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं ना, 20 दिन के बाद, 20 दिन के बाद हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। और आराध्य ने कल पर्स बनाया था, दिखाओ अपना पर्स। ये क्यों लेके आई? और अभी बनाना खाएगी थोड़ी देर बाद ही गाड़ी में ही खाना है। हाँ पता है, पर मैं उधर नहीं खाऊंगी। तो चलिए चलते हैं और फिर मिलते हैं वहीं। ना गई हमारी गाड़ी ना गई। चलो यहाँ भरवाने लगे हैं CNG। पहुँच गए नया बाजार और मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है। रास्ते में इतनी गर्मी लग रही थी, धूप में ना धूप सा लग रहा था, और AC भी ऑन नहीं किया था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हवा भी बाहर चल रही है, सब जैसे हमने AC भी ऑन नहीं किया, तो थोड़ा बहुत गर्म लग गया था। बड़ा मौसम थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, तो मार्केट जाने में मज़ा आएगा। आराध्या को भी मैंने चेंज करवा दिया, उसको जो वो वूलन सा पहना के आई थी उसने गाड़ी में चेंज नहीं किया, फिर अभी आके यहाँ पे चेंज करवा दिए। और बस मस्त यहाँ घूम रहे हैं गार्डन में, हरा भरा सब कुछ, पेड़ पौधे तो आप लोगों ने हर बार देख ही लिए। नींबू रखे हैं बहुत सारे, बड़े ग्रीन है तो पता नहीं चल रहा, हरा भरा। तो शादी यहीं पर है, यहाँ बड़े मामा जी हैं। हाँ भैया आप पहले बोल लो। तो यहाँ बड़े मामा जी, उनके बेटे की शादी है, तो यहीं पर टेंट उंट लगने वाला है, तो मज़ा आएगा। हाथ से खाएगी? अच्छा, आराध्य को देख के, वेरी गुड। अच्छा, 5 फिंगर्स में ताकत होती है, वेरी गुड। तो हम लोग निकल गए हैं घर से, अभी जा रहे हैं मार्केट सदर बाजार, और खाना पीना खा लिया है, मौसम भी अच्छा हो रहा है, तो थोड़ा मार्केटिंग करते हैं। ये देखिए शाम का टाइम हो गया है और मार्केट में ऐसी भीड़ तो कम है, आज ज़्यादा भीड़ नहीं है, और बिल्कुल मौसम ऐसा रखा है कि जैसे अभी जिस बारिश आने ही वाली है। और अभी हमारी शॉपिंग उसके अंदर 40% ही हुई है, और ऐसा लग रहा है घर भागना पड़ेगा क्या, कहीं तूफान ना आ जाए। यहाँ से ली जा रही है मच्छरदानी। हम लेने आए थे यहाँ समोसे, और समोसे यहाँ पे सिर्फ 3 ही है, और हमें चाहिए 12 समोसे। तो देखते हैं क्या लेते हैं। आगे भी एक शॉप थी, वहाँ पर भी समोसे ख़त्म हो गए थे, कचौड़ियाँ मिल रही थी, तो यहाँ देखते हैं। ये रहा सामने सदर बाजार, इस तरफ सदर बाजार है, और यहाँ से हम लेने लगे कचौड़ियाँ क्योंकि समोसे इनके पास भी नहीं था। जलेबी घर जाते जाते खाएंगे यहाँ से, गोलगप्पे बहुत ही मस्त होते हैं यहाँ के, गोलगप्पे पापड़ी चाट। ये रही हमारी मामी जी जो कि अब कचौड़ी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये ऐसी पन्नी में दे रखा है, ये चटनी भी है। कहाँ कचौड़ी खाएँ, ठंडी तो नहीं हो गई? एक तो ठंडी ठंडी सी लग रही है, पता नहीं उसने ऐसी सेक रखा था। ये है कचौड़ी, किसके कंचे को? अनिकेत को कह रही, भैया आपके कंचे को कहीं छुपा दोगे? चलो बाय कर दो, चलो ठीक है, बाय बाय। चलो हम निकल रहे हैं। अच्छा नानी जी बाय बाय। चलो निकलते हैं, टाइम हो गया, खाना खा पी के, रात का खाना भी खा लिया हमने, दिन का भी खा लिया, रात का भी खा लिया, अब घर जा रहे हैं ना। चलो हम लोग आ गए हैं घर में, और ये सब सामान फैला के रखा है, जो जो चीज़ें लेकर आए थे आराध्य के लिए लेकर आए हैं, काफ़ी सारे कपड़े वगैरह, मतलब जो अब गर्मियों के कपड़े हैं क्योंकि उसके छोटे भी हो गए थे, नाइट सूट वगैरह और भी काफ़ी चल रहे हैं, काफ़ी सारे हैं, ये कैप्रीज वगैरह, पजामा वगैरह। ये आराध्या मैडम, आराध्या अपना कॉम दिखाओ। आराध्या के इतने करली बाल है ना, उसकी नॉर्मल कॉम से तो होता ही नहीं है, तो उसके लिए ऐसा मोटा वाला कंघा लेकर आई हूँ, मैंने कहा इससे बाल सूख जाऊंगी इसके। और बस अब सोएंगे, थक गए हैं बहुत ज़्यादा, मार्केट जाओ तो थकान हो ही जाती है, बट अच्छा था कि आज मौसम बहुत अच्छा था तो इतना ज़्यादा नहीं लगा, नहीं तो गर्मी में तो हालत और ही ख़राब हो जाती है।
और यहाँ पे भी हमारे घर के यहाँ पे बारिश काफ़ी सारी हुई है। तो चलिए फिर रखते हैं, इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।